हेलो गाइस, जय माता दी। ये देखिए, आज मैं कन्या पूजन करूंगी। आज नवमी है ना, तो मैं कन्या पूजन करूँ। ये माता रानी का प्रसाद बन रहा है। ये मैंने यहाँ चने भिगाए हैं कंचकों के लिए। ये देखिए गाइस, ये मैंने आधा किलो के करीब चने हैं ये, और हलवा के लिए मैंने सूजी भून लिए और इसमें ये किए। अभी हम थोड़ी और सूजी भून के फिर हम ये हलवा तैयार करेंगे। देखिए, पूरे कुकर में भर गए और अब हम इसे ढक्कन लगा के सीटी लगा लेंगे। इधर हमने माता रानी का प्रसाद जो आधा किलो से भी कम थोड़ा सा चीनी डालेंगे। इस तरह से बना के देखिए गाइस, ये बहुत टेस्टी हलवा बनता है एक बार इस तरह से। ये अब हम चीनी को भी थोड़ा सा इसमें भून लेंगे इस तरह से। ये देखिए गाइस, अब हम ऐसे में इसमें ये धीरे धीरे करके पानी डाल देंगे। देखिए, बहुत टेस्टी हलवा बनता है गाइस। ये एक बार इस तरह से बना के हम ये थोड़े से किशमिश है और ये देखिए, इसमें हमने तकरीबन आधा किलो के ऊपर ही पानी डाला था, वो भी गाइस मैंने गर्म पानी डाला, और ये हलवा हमारा धीरे धीरे बन के रेडी हो जाएगा। और एक तरह हमने नारियल घिसे हुए थे, ये डाल देंगे। देखिए गाइस, इस तरह से हलवे ने पूरा तलवा छोड़ दिया ना किनारा, इस तरह से अब हम ये पूरे में डाल देंगे इस तरह से। हमारे यहाँ ये रोट बनाते हैं, ये देखिए मैंने बनाया एक इस तरह से। इसमें आटे में चीनी, घी और थोड़ी सी कलर के लिए हल्दी डालते हैं। ये माता रानी के रोट होते हैं, हमारे यहाँ उसको रोट बोलते हैं। ये देखिए गाइस, दो रोट यहाँ पे बन के रेडी हो गए हैं ये, और एक ये बन रहा है। हमारी पूरी भी बन के रेडी हो चुकी है। ये देखिए गाइस, ये इतनी पूरी बन गई यहाँ पे, और अभी ये बन रही है बस। अब मैं इसके बाद पूजा करूंगी, भोग लगाऊंगी, बस हमारी पूरी बनके रेडी हो चुकी है। माता रानी का सारा प्रसाद रेडी हो चुका है, ये देखिए। ये देखिए गाइस, हमारे सारा भोग तैयार हो गया। इधर पूरी भी रेडी हो गई है, ये हलवा और ये चना और ये इस तरह से रोट। अब मैं थोड़ा करके इस तरह से हमारे यहाँ भोग लगाते हैं। ये देखिए, थोड़ा हलवा रखेंगे इस तरह से। ये देखिए गाइस, ये हमारा ये माता रानी के लिए भोग रेडी हो चुका है, और इधर ये रोट है, इनको हम लेके जाएंगे यहाँ मंदिर में पूजा करने के लिए। ये स्कूल लेके जाना, ठीक है?